यहाँ पे पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे धसा हुआ है, सिंगल रोड हो रखी है अभी। यहाँ चढ़ जा, लोड मान रही है गाड़ी। अभी हम एक छोटे से विलेज में हैं, आगपा नाम का एक विलेज है। वहाँ पे चेक पोस्ट है, पीछे ये रहा चेक पोस्ट। और यहाँ पे भाई एंट्री करवाने गए हैं, यहाँ पे भी एंट्री होती है तो भाई एंट्री करवाने गए हैं। और अभी हम NH5 पे ही है। अभी हम जा रहे हैं ताबो या नाको, आज हमारा स्टे होगा दोनों में से एक जगह। नाको पहले पड़ जाता है, ताबो बाद में पड़ता है। अब देखते हैं, अगर टाइम रहा तो ताबो निकल जाएंगे वरना नाको रुक जाएंगे। और लगभग हमारा डिस्टेंस हमारा 90-80 के आसपास रह गया होगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं पता, बाकी आगे बता दूंगा। और ये वाला सामने वाला पहाड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ऊपर छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं, रंग बिरंगे कलरफुल वाले। बहुत ही प्यारा पहाड़ लग रहा है ये वाला। और ऊपर मौसम अलग है। सदियों वर्षों बाद हमें सूरज देवता दिखे हैं। और इधर का देखो सीमेंटेड पहाड़ है, और इधर देखो मिट्टी वाले पहाड़ हैं, मतलब अलग ही है। आ जाओ भाई, आ जाओ आराम से। और ये देखो अभी ये ना एक पत्थर टायर को लग गया, और टायर को लग के टायर तो ठीक है, और थोड़ी सी ना यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच आ गया, और टायर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत जगह जगह पत्थर पड़े, और सूरज देवता पूरी कोशिश है निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे, बादल निकलने नहीं दे रहे। और सामने वाला पहाड़ देखो वो बिल्कुल ही अलग है। और ये थोड़ा सा पैच हमें मिला है ऑफ रोड का, जो कि बहुत ही गंदा वाला ऑफ रोड है। बिल्कुल कहीं ये पहाड़ पे देखो सामने, इस पे सूखा पड़ा है, और बीच बीच में पेड़ भी है, गार्डन टाइप मतलब बनाया हुआ है। और देखो कहीं सूखा पड़ा है, और कहीं देखो मतलब यहाँ कितनी मेहनत लगती होगी सूखे पे ऐसे पेड़ उगाने, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती होगी। अरे भाई ये देखो यहाँ पे ये वाला पहाड़ पूरा सूखा हुआ है, मिट्टी वाला पहाड़ है। और यहाँ पे मिट्टी में भी ऐसे देख लो कैसे खेती वेती हो रही है, खेत ही है ना। तो यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है, मतलब कितने चेक पोस्ट पे एंट्री करा ली हमने, दो तीन चौथा चेक पोस्ट है भाई ये। और ये देखो कि सूखे पहाड़, और बीच में खेती हरियाली, और नीचे नदी। और कपिल भाई क्या कह रहे हो आप, पहाड़ में इतनी सर्दी है कपिल भाई बैठे हुए अच्छी तरह, और अच्छा लग रहा है घूम के। यहाँ पे एक नई जगह एक्सप्लोर करने आए हैं हम आपको दिखाने, बस थोड़ा सा आप भी प्यार दिखाओ मैं अपना। और अभी जिस चेक पोस्ट पे हमने एंट्री कराई है वो डबलिंग था, यहाँ डबलिंग का चेक पोस्ट है, और यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर चाइना का बॉर्डर है। अभी बता रहे थे उन्होंने बोला कि यहाँ कैंप फोटोग्राफी नहीं करनी है, ज़्यादा ग्राफर मत बनो, इसे अंदर रख लो। हमने चुपचाप बंद कर लिया कैमरा। हाँ खींचे लगा लो कहीं भी, आगे आगे तो कट है। पुल में ना खड़ी करना, बस पुल में नहीं खड़ी करेंगे आगे कहीं भी। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, ये स्पीति है राइट वाली, और ये लेफ्ट से जो आ रही है सतलुज रिवर है, जिसके हम पहले चल रहे थे वहाँ से। और बाकी यहाँ संगम होता है दो रिवर का, और पेट भर गया मतलब खाते हुए आ रहे थे वॉइस वगैरह चिप्स, और कुछ व्यू अच्छा वाला व्यू है।
अच्छा लग रहा है देख के, और हवा चल रही है बहुत कैडी वाली, बहुत तेजी हवा चल रही है। और बाकी चलते हैं कुछ देख लो एक बार और, संगम सतलुज रिवर एंड स्पीति रिवर। अभी हम जा रहे हैं स्पीति वैली, और स्पीति वैली का ये है रूट। तो अब सतलुज रिवर देख लिए, और सतलुज और स्पीति रिवर का संगम आपने देख लिया है। क्या पता कल तक मौसम खुल जाए, खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। टाइम लैप्स देखे होंगे, ये है हेयर पिन बैंड्स, जो कि बैंड ही बैंड है और चढ़ाई है एकदम, पूरे बैंड है कट्टी कट कट्टी कट। ये देखो कितने कट हैं यहाँ पे, तो इन्हें कहते हैं हेयर पिन बैंड्स। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है, और अभी सीधा रोड है यहाँ से आगे, और ये आप देख सकते हो, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। वाह क्या लाइन है। तो यहाँ पे हमारी एक गाड़ी की सीट एक साइड से, ये देखो एक साइड से बाहर आ गई है, ये देखो दूसरी साइड देखो, एक साइड से बाहर आ गई है। अब इसका देखेंगे कुछ सॉल्यूशन, बाकी अभी चलते हैं और व्यू देख लो एक बार लास्ट टाइम। और इन दोनों लाइनों पे गौर करना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और अभी हम चल रहे हैं सीधा, भाई भी जा रहे हैं आगे बाइक पे, एक बाइक पे दो, एक पे एक ही है, ये तो ना इंसाफी है सरासर। और अभी हमारा नाको 14 किलोमीटर रह गया, और अभी नाको जा रहे हैं, देखेंगे ज़्यादा ताबो या नाको, आज दोनों जगह में से एक जगह स्टे करेंगे। बाकी राइडर भाई भी स्पीति वैली कर रहे हैं, एक चंडीगढ़ की बाइक है एक है हरियाणा की बाइक, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। ये देखो क्या प्यारे प्यारे झंडे हैं, ये वैसे करोल बाग में मिल जाते हैं हमारे। और ये देखो सामने वाला पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा सामने वाला पहाड़, ये वाला बहुत प्यारा पहाड़ लग रहा है, मन नहीं भरता कभी इन पहाड़ों से। जैसे भी है अभी आपने पीछे देखा होगा कि रोड कितनी प्यारी थी, ऐसी रोड बनने वाली है यहाँ पे, और जगह जगह भी काम चल ही रहा है, नज़ारे भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। ऑफ रोड का ये थोड़ा सा सिस्टम, बट ये जल्दी पूरा होगा, वही है ना कि हर बार जब भी स्पीति आओगे तो हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, एक जैसा मिलेगा ही नहीं कभी। नाको के बाद ऑफ रोड ही ऑफ रोड है, रोड दिखी नहीं, और अभी काम
चल रहा है यहाँ पे, होती है तकड़ी वाली लेंस राइड। जगह का नाम क्या है नवीन भाई? मलिंग तकड़ी ऑफ रोड गाड़ी लगने के चांसेस है नीचे से, ऊंची गाड़ी जब लगने के चांसेस है। गाड़ी बहुत कूद रही है, बहुत कूद रही है गाड़ी। सॉकर अच्छे हैं इसका मतलब हमारी गाड़ी की। रोड देख रहे हो कैसी है, रोड नहीं ऑफ रोड, रोड तो ही नहीं। बहुत गजब का एक्सपीरियंस हो रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा गजब, बहुत ज्यादा गजब का एक्सपीरियंस हो रहा है इस बार। अगर लोकेशन अच्छी मिले आगे जाके तो ये भी चलेगा। गाइस अभी हम नीचे उतार रहे हैं अपनी गाड़ी को रोड से, थोड़ा शॉट वगैरह ले रहे हैं। सही उतर रही है, ये देखो क्या व्यू है और क्या ऑफ रोड है, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। अभी हम जिगजैग करते हैं, यहाँ से आ रहे थे ऊपर से और यहाँ पे हवा तेज चल रही है, आवाज़ पता नहीं क्लियर आ रही है नहीं आ रही, और यहाँ से जिगजैग करते हुए आ रहे थे। और अभी कपिल भाई वहाँ आए शॉट लेने के लिए, उतरे थे वो पीछे रह के, तो अभी हम आए हैं मून लैंड स्केप पे। ये अगर आप लद्दाख जाओगे मनाली से होके तो ये पांग एक मतलब विलेज पड़ता है, तो उससे पहले पड़ता है ऐसे ही लद्दाख जाते, और लद्दाख से वापसी आओगे तो फिर वहाँ से पांग के बाद पड़ेगा। तो बाकी यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है, बहुत सेक्सी नज़ारा है। और ये रही अपनी रानी जो कि हार नहीं मानती कभी, और ये है स्पीति रिवर, देखो पानी कितना साफ है। और खाब में जहाँ पे संगम हो रहा था वहाँ पे बहुत गंदा हो गया था, तो यहाँ पे बहुत प्यारा है। और ये देखो यहाँ कितने प्यारा घर लग रहा है भाई साहब, क्या व्यू है देखो, नीचे बीच में दो चार घर है और ग्रीनरी कितनी प्यारी है। हवा के लिए, हवा की वजह से पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही, बट अब आपको मैनेज करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये है मून लैंडस्केप, ये 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 ये, और हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही है सिर पर ऐसा लग रहा है टोपी उड़ा के ले जाएगी हवा, इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज चल रही है। और बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, अच्छा लगा यहाँ पे उतर के। अब वो जा रही है रोड, अभी उससे जाएंगे, ये रही रोड यहाँ से। ये देखो रील बन रही है, रील बना रहे रील। और अभी भाई साहब बाहर तो इतनी गंदी तेज हवा चल रही है ना, देखो इनकी पता चल रही होगी, बहुत ही गंदी हवा चल रही है, बहुत ही तेज। और मैं तो टोपी उड़ने से बच गई, मैं तो पकड़ ली भाई साहब। और अभी बच चुके हैं 3:10 और अपनी गाड़ी चल चुकी है घर से 700
7 किलोमीटर और अभी हमें जाना है 70 किलोमीटर और ताबो के लिए। अभी सुमदो है 19 किलोमीटर, फिर उसके आगे आएगा ताबो। और गाइज अभी हमें फाइनली डबल रेन रोड मिल गई है, डबल लाइन, और अभी हम स्पीति रिवर के पैरेलल चल रहे हैं, बराबर में चल रहे हैं। साइड में स्पीति रिवर है लेफ्ट साइड में, और डबल लाइन रोड मिल गई। बाकी फिर नाकोस से पहले ही मिली थी, उसके बाद अब मिली है जाके। और यहाँ से सुमदो 10-12 किलोमीटर के आसपास रह गया। सुमदो जाते हैं और फिर वहाँ जाके डिसाइड करते हैं, एक जगह की और सोच रहे अभी कहाँ जाएं, तो वो डिसाइड करके फिर आपको बताएंगे। और तब तक घोड़े को बचा लेते हैं, घोड़े से मिला तुम। मालिक दे दो। और अभी हम आ चुके हैं सुमदो, यहाँ पे भी एक एंट्री होगी, ये 5वीं एंट्री है हमारी। हम एंट्री करवाते करवाते थक चुके हैं, इतनी तो लद्दाख गए थे वहाँ नहीं हुई थी, इतनी हवा हो रही है। और फिर यहाँ से निकलेंगे अपना ताबो के लिए, और फिर देखते ताबो के लिए निकलेंगे। लेकिन रास्ते में अभी एक जगह है, सोच रहे हैं वहाँ पे भी चले जाएं, तो आपको बता देंगे जैसे भी जो भी होगा। वेलकम टू स्पीति वैली, सामने बोर्ड लग रहा है स्पीति वैली, वेलकम टू स्पीति वैली। और यहाँ की रोड तो लद्दाख वाली रोड से भी खतरनाक है, एक सिंगल रोड है, 1 किलोमीटर पहले देखना पड़ रहा है कि दूर से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि जगह देखनी पड़ती है पहले ही, गाड़ी बचती नहीं है बिल्कुल। बहुत छोटी रोड है, बहुत ही ज़्यादा छोटी। और नीचे चलते हैं स्पीति रिवर, स्पीति वैली यहाँ पहुँच जाएंगे फिर अच्छे से हम, अगर 1 किलोमीटर पहले हमने गाड़ी ना देखी तो। ये देखो राइट साइड में कैसे पहाड़ है, एकदम अचानक से अलग ही पहाड़ है, कुछ अलग ही हटके। अभी आगे दिखाते हैं, आगे आएंगे। ये देखो कुछ अलग ही हटके पहाड़ है, अलग ही। और सामने देखो माउंटेन्स पीक है, ऊपर पीक पे बर्फ है, ग्लेशियर है, मतलब अभी पिघल जाते हैं वो। और विंटर में तो भाई साहब यहाँ बहुत बुरा हाल रहता है, आधे एक एक फुट तक बर्फ हो जाती है, एक एक फुट तक बर्फ। ये देखो ऊपर ग्लेशियर बने हुए हैं, अभी सीधी रोड। तो गाइस अभी हमने ले लिया है होम स्टे, पर होटल से कम नहीं है भाई, कसम से होटल से कम नहीं है होम स्टे, बहुत ही प्यारा होम स्टे है, बहुत ही सस्ते में मिल गया, 1000 रुपये में होम स्टे मिल गया। और इसी के पास की मॉनेस्ट्री है यहाँ पे ताबो की, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको अपना रूम। ये हमारा छोटा सा रूम, एक बेड है, और एक सिंगल बेड और डबल बेड, और ये अपना वॉशरूम। कल वाले से तो बहुत ही लाख गुना अच्छा है, बहुत ही लाख गुना अच्छा। और ये अपने बैग वैग आ गए, और ये खड़ी अपनी गाड़ी, सामने गाड़ी खड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बहुत ही प्यारा रूम है भाई। कहाँ जा रहे हो, शादी में जाना है कहीं? अरे नहीं, वो तो वो कह रहे कि मतलब खाना यहाँ नहीं मिलेगा, होटल पे बुक करना पड़ेगा, कह रहे कि मतलब आज हम बिजी हैं। अच्छा, तो आज होम स्टे में हमें खाना नहीं मिलेगा, कह रहे कि आज हमारे यहाँ कुछ फंक्शन वंक्शन कुछ भी है उनका है, कह रहे कि आज आप बाहर खा लो, तो आज ही रुकना है। वैसे होम स्टे में यहीं पे मिल जाता है खाना भी, एक तरह से होटल ही होता है होम स्टे, बस ये है कि घर भी इनका यही होता है और होटल भी होता है, तो मिक्स होम स्टे हो जाता है। तो बाकी गाइस ताबो देख लो, क्या देखने वाली चीज़ तो कुछ है नहीं, मॉनेस्ट्री है, कल देखेंगे अगर जाएंगे तो। और यहाँ से व्यू भी अच्छा है दोनों तरफ। हाँ भैया आज नहीं जाएंगे भैया, अब कहीं आज कहीं नहीं जाएंगे, पूरे दिन ना गाड़ी ऐसे ही नहीं जा पाओगे, ऐसे ये वाला हाथ तो ऐसा दर्द कर रहा क्यों, इससे गियर इससे आगे पीछे ऐसे ही हाथ में दर्द हो गया अब। और भाई बहुत
गंदा रास्ता है, बहुत ही गंदा रास्ता है, इतना छोटा रास्ता है यार, लद्दाख से भी छोटा रास्ता है। तो अभी चलो फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाए और रूम आपने देख ही लिया अपना भाई, अपनी जगह हम ये मैं ये वाली जगह लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी डाटा ट्रांसफ़र भी करना है। ये देखो कितने सेब लगे हुए, ये देखो सेब ही सेब सेब, ये देखो यहाँ सेब सेब। कपिल भाई कह रहे हैं जैसे हमारे घर घर में अमरूद लगे रहे हैं ना, ऐसे यहाँ सेब लग रहे घर घर में। भाई सब बहुत सेब लग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेब हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे सेब हैं, लाल लाल, ये वाले ज़्यादा लाल हैं। और अब यहाँ खाने के लिए आए हैं, यहाँ रेस्टोरेंट है और यहाँ सेब का बगीचा है, और ये तो ग्रीन एप्पल भी है, ये रे तो बहुत ही अच्छी जगह है, ग्रीन एप्पल रेड एप्पल। और अभी खाना खाने हैं, खाना खा के भूख लग रही है बड़ी तेज़, सुबह खा के ही चले थे, पता नहीं कितने बजे चले थे हम, 7:30 8:30 चले, हाँ 7:30 8 बजे के आसपास चले। और जब भी एक पराठा खाया था उसके बाद हमने बस चिप्स कुरकुरे उनमें लगे रहे, तो अभी खाते हैं खाना, दूंगा बोलता है फिर पता नहीं चलेंगे क्या करता पता नहीं लग रहा है अपने कमरे पे, फिर वहाँ करेंगे बातचीत। और ये देखो यार कुछ बनाया हुआ है ना यहाँ पे, कुछ अलग ही भाषा सी में यार, क्या लिखा है वो पता नहीं, इतने ऊंचा बना कैसे दिया इन्होंने। अगर गाइस आप स्पीति वैली आओ और ताबो आओ तो भाई यहाँ इस वाले रेस्टोरेंट में खाना खाना, बहुत ही प्यारा खाना दिया इन्होंने। और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ, मैं जा रहा हूँ होटल अपने, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने कमरे पे क्योंकि मेरा लेटने का मन कर रहा है। ये रही अपनी गाड़ी और ये रहा अपना रूम, यहाँ पे इसमें होम स्टे है। सो गाइज हम पहुँच गए हैं ताबो, खाना खा लिया और अपने रूम में आ गए, यही अपना छोटा सा रूम जो दिखा दिया था पहले ही, और रूम में आ गया मैं आ गया, उनका भी खाना चल रहा है, मैंने जल्दी जल्दी खा के आ गया, मैं थक गया था ना पूरे दिन जूं जाए करते करते। और कैसे लगे वाले व्लॉग, यहाँ तक की सीरीज़ कैसे लगी, अभी तो शुरुआत हुई, अभी ट्रेलर देखा अपने, शुरुआत तो अब होगी, पिक्चर तो अभी दिखेगी आगे कल से। और गाइस शेयर कर देना, आपको अपनी माँ कसम है अगर शेयर ना करें तो, लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, और इस ब्लॉग को करते हैं पेंट, मिलते हैं आपको नए एक सुपर फ्रेश ब्लॉग में।